अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़ख्र स्टम्स फेयर। आज हमारे पास एक प्रॉब्लम है टू स्वैप टू नंबर्स, और हमारे पास ये मेन में एक स्निपेट कोड गिवन है, और हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट द स्वैप फंक्शन। यहाँ पर हमारे पास एक कस्टमाइज्ड स्वैप फंक्शन गिवन है। कस्टम फंक्शन उसको कहते हैं जो कि बिल्ट इन नहीं होता, यूज़र खुद क्रिएट करता है, क्योंकि स्वैप का फंक्शन जो है C++ में बिल्ट इन फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है स्वैप। अगर आप लिखें और सारे लोअर केस में लेटर्स हैं और आप दो नंबरों को पास करें, फॉर एग्जाम्पल 5, 10, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, तो ये आपको, लेट्स सपोज आपके पास ए वेरिएबल में स्टोर था, ये बी वेरिएबल स्टोर था, और जब आप इसको कॉल करेंगे, सारे लोअर केस में लेटर्स हैं, तो ए में वैल्यू 10 आ जाएगी और बी में वैल्यू 5 आ जाएगी आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। लेकिन यहाँ पर कैपिटल एस यूज हुआ है, तो ये अब कस्टमाइज फंक्शन बन जाता है। तो हमारे पास मेन के अंदर क्या है, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले स्टैक में आपका मेन प्रोग्राम लोड होता है, तो मेन में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हम पहला वेरिएबल बना देते हैं, ए में आपके पास पड़ा है 5 और एक बी है उस पर आपके पास पड़ा है 10। अब हम क्या करते हैं, पहले प्रिंट कर लेंगे ए की वैल्यू और बिफोर स्वैप, तो आपके पास जो सी आउट होगा, तो ए में जो वैल्यू आपके पास पड़ी है वो 5 है और जो प्रिंट बी में जो वैल्यू पड़ी होगी वो 10 पड़ी है। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल आपका ट्रांसफर हो जाएगा फंक्शन में, स्वैप के फंक्शन में। ये आपके लोकल वेरिएबल्स हैं और यहां पर स्वैप का फंक्शन इटसेल्फ जो भी हमने बनाना है वहां पर आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो मेन के वेरिएबल्स हैं ये होल्ड हो जाएंगे। अब हमने ऐसा स्वैप का फंक्शन लिखना है कि उसमें जो आर्गूमेंट हमने पास करने हैं वो पास बाय रेफरेंस करने हैं। तो पास बाय रेफरेंस के लिए जरूरी है कि आपको जो रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट मैंने पिछले लेक्चर्स में डिलीवर किया था, होपफुली आपको आता होगा, और जिसको नहीं आता तो वो जरूर वीडियो देख लें, तो आपका रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही आपको ये वीडियो फायदा देगी। तो हम अब क्या करेंगे, पास बाय रेफरेंस का मतलब है कि जब हम इस स्वैप फंक्शन को बनाएंगे, इसके जो आर्गुमेंट्स होंगे उनमें रेफरेंस वेरिएबल्स का यूज करना है। और रेफरेंस वेरिएबल्स का मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम किसी वेरिएबल का रेफरेंस क्रिएट करते हैं या एलियस क्रिएट करते हैं, तो एक्चुअली दोनों का जो मेमोरी लोकेशन होती है वो सेम होती है। आपके पास कोई नया वेरिएबल क्रिएट नहीं होता मेमोरी में, एग्जैक्टली उसका एक एलियस बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को किस तरह लिखेंगे, क्योंकि स्वैप फंक्शन है। लेट्स सपोज यहां पर मैं फंक्शन की बॉडी लिखने लगा हूं, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, यानी इसकी जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड होनी चाहिए। वॉइड क्यों, क्योंकि यहां पर लेट्स सपोज कोई वेरिएबल होता int x इज इक्वल टू या int y इज इक्वल टू, कोई वेरिएबल होता, तब ये इसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो इंटीजर होती। लेकिन ये तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो आपके पास जो रिटर्न टाइप होगी वो वॉइड होगी, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर लेगा। तो स्वैप लिखेंगे, और अब इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देखें, ए बी दो इंटीजर्स हैं, तो इस ए का रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनेगा, हम लिखेंगे इंट और एम परसेंट, यहां पर कोई वेरिएबल डाल दें, वो आपकी मर्जी है, आप एक्स वाई जी डाल दें, आप ए भी डाल सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज हम एक्स लिखते हैं। अब इसमें ये जो रेफरेंस, ये जो हमने एम्परसेंट ऑपरेटर बनाया यहां पर, ये एम्परसेंट ऑपरेटर जस्ट लाइक पॉइंटर, ये यहां पर भी आप लगा सकते हो, इंट के साथ भी, आप एक्स के साथ भी लगा सकते हैं, आप सेंटर में भी लगा सकते हैं और स्पेसिस भी क्रिएट कर सकते हैं, इससे एरर नहीं आता। फिर हम बनाते हैं यहां पर बी वेरिएबल का रेफरेंस, तो वो कैसे बनेंगे, हम लिखेंगे इंट एम्परसेंट और वाई। अब हमने एक्चुअली किया क्या है कि हमारे पास दो रेफरेंस वेरिएबल्स हमने बनाए एक्स वाई, तो ये रिसीविंग आर्गुमेंट्स है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास, आपने जब ये पास में रेफरेंस किया, तो एक्चुअली हम ये कर रहे हैं कि int m परसेंट एक्स इज इक्वल टू, यहां पर पहला क्या वेरिएबल है a, तो हम a का रेफरेंस वेरिएबल या उसका एलियस बना रहे हैं, तो x उसका एलियस बन जाएगा। यानी ये जो लोकेशन आपकी है इसको x भी पॉइंट कर रहा है, यानी x का एड्रेस भी सेम है। लेट्स सपोज ये x आपके पास, ये 0 100 x इसका मेमोरी एड्रेस है, और इस वाले का है 0 x फॉर एग्जांपल 200 हेक्साडेसिमल में है, तो x का एड्रेस भी सेम है, यानी x बेसिकली कुछ भी नहीं है बल्कि ये a ही है। सिमिलरली जब ये स्टेटमेंट लिखी, तो दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, यानी b का रेफरेंस वेरिएबल क्या कौन सा बन जाएगा, y बन जाएगा। अब यहां पर हमने पैरेंथेसिस लगा दी, लेट्स सपोज यहां से स्टार्ट हो रहा है और मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, फॉर एग्जांपल ये पैरेंथेसिस आपके एंड हो गए।
अब स्वैपिंग करने के लिए जब भी दो नंबरों को स्वैप करते हैं तो हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल की जरूरत होती है जिसमें हम एक्स को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि जब अगर हम टेम्परेरी वेरिएबल के बगैर स्टोर करते हैं तो हमारे पास एक वेरिएबल तो अपडेट हो जाता है, दूसरा नहीं होता, दोनों की सेम वैल्यूज बन जाती है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे कोड में एक हम इंटीजर बनाते हैं टेम्प वेरिएबल, और इसको जो फर्स्ट आपका वेरिएबल होगा यानी जो एक्स है या जो ए है उसको असाइन करते हैं, क्योंकि हम फंक्शन की बॉडी में है, इसमें एक्स वेरिएबल कंप्लीट करेंगे। एक्स वेरिएबल जो है रेफरेंस वेरिएबल है जो कि ए ही का वेरिएबल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट टेम्प इज इक्वल टू एक्स कर देंगे। तो ये क्योंकि फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल बना हुआ है तो यहां पर आपका टेम्प क्रिएट हो जाएगा, और टेम्प में हम क्या प्लेस कर रहे हैं एक्स को, तो एक्स की क्या वैल्यू है 5। तो बेसिकली टेम्प में आपके पास क्या मेमोरी में पड़ा होगा 5 पड़ा होगा, लेट्स सपोज इसकी लोकेशन आपके पास है 300H। अब उसके बाद स्वैपिंग का आसान तरीका क्या है कि अब आपने जो पहला वेरिएबल था वो आपने टेम्प में स्टोर कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ये टेम्प में क्योंकि एक्स डाले है, अब सिंपल आप एक्स और वाई को स्वैप कर लें। जब x इज इक्वल टू y करेंगे तो एक्चुअली यहां पर आप देखें y की वैल्यू को हम x में इंसर्ट कर रहे हैं, तो y में क्या पड़ा है 10 पड़ा है, x में क्या है a है, तो सिंपली ये वैल्यू कट होके इधर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी x अपडेट होने का मतलब है हमारा a अपडेट हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल को चेंज करते हैं तो मेन का वेरिएबल चेंज होता है क्योंकि उसका एड्रेस एग्जैक्टली वही सेम है जो कि a का एड्रेस है। फिर यहां पर देखें ये x था ये भी x है, अब y में हमने क्या स्टोर करना है, y में हमने टेम्प स्टोर करना, तो अब हम यहां पर y is equal to x नहीं लिखेंगे क्योंकि x में क्या हुआ, x में तो 10 आ गया, y is equal to x करेंगे तो y में भी 10 आ जाएगा, तो फिर तो फर्क नहीं हुआ, तो ये टेम्प में हमने x की वैल्यू को स्टोर किया था हम सिंपल लिख देंगे y is equal to temp। तो जब y is equal to temp लिखेंगे तो temp में हमारे पास क्या पड़ा है 5 पड़ा है, तो y में आपकी 5 वैल्यू आ जाएगी, यानी जो पहला आर्गुमेंट था x उसमें आपका 10 चला जाएगा और सेकेंड आर्गुमेंट में 5। जब फंक्शन कॉल हुआ था तो तब शुरू में x की कितनी वैल्यू थी यहां पर 5 थी और y की कितनी वैल्यू थी 10, और जो फंक्शन जब एंड होगा तो x में आपका 10 चला जाएगा और y में आपका 5 चला जाएगा, ये फंक्शन हमारा हो गया कंप्लीट। तो जब y को हमने अपडेट किया तो एक्चुअली उसने b को चेंज कर दिया, तो b आपका कितना हो गया, जो टेम्प में वैल्यू पड़ी थी 5 पड़ी थी, ये आपका b चेंज हो गया। जब ये फंक्शन एंड होगा, जब हम रिटर्न यहां से करेंगे तो एक्चुअली हमारे जो मेन के वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर पहले ए की क्या वैल्यू थी, ए की पहले वैल्यू 5 थी और बी की कितनी वैल्यू थी 10, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल ए का एक्स था, तो अब देखें एक्स की क्या वैल्यू बन गई है 10, तो यहां पर आपका एक्चुअली ए 10 बन जाएगा, और वाई की वैल्यू बन गई है 5, तो एक्चुअली आपका ये जो बी है ये 5, तो ये वैल्यूज आपकी स्वैप होगी। तो इसमें स्वैपिंग में खास पैटर्न है, जो डमी वेरिएबल बनाएंगे या टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे उसको जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसके इक्वल कर ले, आप अपोजिट भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं कैसे ही होगा। तो उसके बाद सीक्वेंस देखें, टेम्प इज इक्वल टू एक्स, एक्स आपके इधर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई और फिर वाई आपके इधर आ जाएगा, और अल्टीमेटली आपके पास टेम्प इज इक्वल टेम्प ही बन जाएगा। तो लेट्स सपोज आप ऐसे भी कर सकते हो कि इंट टेम्प इज इक्वल टू वाई कर ले, वाई इज इक्वल टू एक्स कर ले और फिर एक्स इक्वल टू टेम्प कर ले। आप इस डायरेक्शन में भी करेंगे तो फिर भी आपके दोनों वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो हमने जो नया वेरिएबल बनाया था फंक्शन के अंदर वो सिंपल टेम्प था, बाकी दोनों रेफरेंस वेरिएबल्स बने, और रेफरेंस वेरिएबल्स का फायदा क्या है कि आपके मेमोरी में नए वेरिएबल्स क्रिएट नहीं होते बल्कि वो एलियस या रेफरेंस होते हैं बेसिकली जो मेन के अंदर वेरिएबल्स यूज हुए हैं। तो वहां पर जब वो फंक्शन के अंदर अपडेट रेफरेंस वेरिएबल होता है तो एक्चुअली आपके मेन के वेरिएबल्स चेंज होते हैं। तो अभी हम एग्जैक्टली जो प्रोग्राम हमने ये लिखा है ये हम VS कोड में सेम करके देखते हैं कि हमारा किस तरह ये कंप्लीट होता है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हमने लिखी है, आप जब अगर कोड लिखना चाहें तो यहां पर आप प्रोटोटाइप भी बना सकते हो, यहां पर तो प्रोटोटाइप के बाद आपको यहां पर डिफाइन करना पड़ता है फंक्शन को, या सिंपली आप मेन के ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन ही लिख दें तो फिर भी फाइन है। अभी हम इसको रन करते हैं। अब यहां पर एग्जैक्टली सेम मैंने जो फंक्शन हमने कस्टम फंक्शन लिखा था स्वैप वो यहां पर उसी तरह लिख लिया, और यहां पर मैंने अपोजिट वे में कर दिया, इन टेम्प इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू टेम्प। तो एक सीक्वेंस है, वाई है तो यहां पर भी वाई होगा, इधर एक्स है तो यहां पर भी एक्स होगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ऑल्ट कंट्रोल और एन की प्रेस करेंगे तो यहां पर आप देखें मेन में ए इज इक्वल टू पहले 5 है, बी की वैल्यू 10 है, और जब ये स्वैप फंक्शन कॉल हुआ कैपिटल एस के साथ तो आपके पास ए में 10 वैल्यू आ गई, बी में 5, तो दो नंबर आपके स्वैप हो गए। ये जो लोअर केस में स्वैप है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसको बाद में आपको दिखाता हूं। अब यहां पर मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूं जो मैंने वहां पर आपको बताया था, टेम्प x = x,
यहाँ पर आप कर दें x और यहाँ पर कर दें y और यहाँ पर भी आपका y हो जाए। तो दोनों तरीकों से आपकी स्वैपिंग हो जाती है। अब हम दोबारा रन करते हैं Alt Control N। अब देखें a 5 था, b 10 था, आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5। तो इन बोथ वेज आप कर सकते हो। और जो मैंने ये बताया था कि m परसेंट में आप अगर यहाँ पर लेट्स सपोज मैं m परसेंट डाल के और स्पेस डाल देता हूँ और मैं रन करता हूँ Alt Control N, तो आपका फर्क नहीं पड़ता। या आप ये m परसेंट साइन जो है ये आप इंटीजर के साथ लगा दें और फिर भी रन करके देखें तो कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। अब यहां पर हम इसको डीबग करके देखते हैं। तो यहां पर स्वैप पर मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है, तो आप यहां पर लोकल वेरिएबल्स देखें तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है। ये प्रिंट स्टेटमेंट ऑलरेडी चल चुकी है। अब इस लाइन के बाद जब हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो आपका कंट्रोल कहां चला जाएगा, फंक्शन के अंदर चले जाए। अब यहां पर आपको सिंपल लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि x में कितनी वैल्यू पड़ी है, x में 5 है, y में 10 है, बिकॉज x इज एलियस और रेफरेंस ऑफ a, y इज द रेफरेंस ऑफ b। अब यहां पर देखें temp is equal to x, क्योंकि x में कितना पड़ा है 5, तो इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद temp में आपका 5 आ जाएगा। ये देखिए यहां पर temp में 5 चला गया। अब x is equal to y है, तो y में 10 पड़ा है, तो अब x में भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन। और यहां पर अब हम क्या चाहते हैं, y में temp डालना चाहते हैं, क्योंकि y में x डालेंगे दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, क्योंकि temp में 5 पड़ा है, तो यहां पर y is equal to temp कर दिया हमने। तो मैंने इसको जब एग्जीक्यूट किया तो आपके पास ये। अब हमारे पास जब हम निकलेंगे तो आप देखें जब पहले आए थे तो x में 5 था, अब x में 10 हो गया, y में 10 था, अब y में 5 हो गया। तो जब हम मेन में जाएंगे तो जो फंक्शन की नेक्स्ट लाइन है वहां पर कंट्रोल जाएगा और आप देखेंगे कि a की वैल्यू इनडीड 10 होगी और b की वैल्यू 5, बिकॉज रेफरेंस वेरिएबल्स आपके एक्चुअल वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, क्योंकि वो नहीं कि एलियस है, वो कुछ भी नहीं है बल्कि वही वेरिएबल्स हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट लाइन में, तो हम स्वैप के अगली लाइन में चले गए और यहां पर आप देखें लोकल वेरिएबल में ये मेन के लोकल वेरिएबल्स हैं, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5 हो गई। और वंस हम इसको ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके नंबर स्वैप हो जाएंगे और आपका प्रोग्राम एंड हो जाए। तो इस तरह हम दो नंबरों को स्वैप करते हैं बाय पासिंग आर्गुमेंट्स थ्रू रेफरेंस। तो इसको पास बाय रेफरेंस भी कहते हैं। रेफरेंस में आपने यहां पर एम्परसेंड का साइन नहीं लगाना। जब हम यहां पर एम्परसेंड का साइन लगाएंगे इसका मतलब है कि हम एड्रेसेस पास कर रहे हैं ए बी, और एड्रेस को रिसीव करने के लिए कौन सा वेरिएबल होता है, पॉइंटर वेरिएबल होता है। अब मैं जल्दी से इसको कमेंट करके आपको मैं बता देता हूं हम बिल्ट इन स्वैप फंक्शन के साथ किस तरह बनाते हैं। हमारे पास बिल्ट इन स्वैप फंक्शन है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन है सी प्लस प्लस का। अब हमारे पास ये फंक्शन हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसको बेशक मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। सिंपल अगर हम स्वैप का कोड लिखें, स्वैप फंक्शन कॉल करें, तो ए बी दोनों स्वैप हो जाएंगे। जस्ट रन इट, Alt Control N प्रेस करेंगे और यहां पर देखें ए में 5 पड़ा है, बी में 10 है, तो ए में 10, बी में 5 पड़ा है। तो इस तरह हमारा प्रोग्राम जो है, हमने इस जो स्टैंडर्ड फंक्शन था, बिल्ट इन फंक्शन था, उसकी जगह एक कस्टम फंक्शन स्वैप लिखा और मैनुअली पास बाय रेफरेंस से एक प्रोग्राम को कंप्लीट किया, यानी इस फंक्शन को हमने यहां पर बनाया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पॉइंटर्स वेरिएबल का यूज करके सेम काम करेंगे। और जब पॉइंटर्स को हम यूज करते हैं, हम कहते हैं यहां पर पॉइंटर्स हों, तो पॉइंटर्स क्योंकि जो आर्गुमेंट जो उसमें स्टोर होता है वो एड्रेस होता है, तो यहां पर हम एड्रेसेस पास करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल से नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।